Hey guys, welcome to my channel Fresh Start, a platform to connect and support. 1000 plus MCQ series का ये part 8 है. Hope आपने मेरे पहले के 7 videos को देखा होगा. अगर नहीं तो please उसे ज़रूर देखें. और हाँ, इस तरह के और videos के लिए मेरे इस channel को like, share, subscribe ज़रूर करें. साथ ही नीचे दिए गए notification bell को press करना बिल्कुल ना भूलें. तो चलिए start करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, वाइल कैचिंग ए बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द, क्या होगा आंसर? मोमेंटम. ओके, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए प्लेयर्स थोड़ा सा हाथ को पीछे लेते हैं अपनी बॉडी से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स एट, क्या हो जाएगा आंसर? फिक्स्ड हाइट. ओके, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फिक्स्ड हाइट पे रिवॉल्व करते हैं. When a barometer reading suddenly recedes, it indicates that, क्या इंडिकेट करेगा वो? कि will be extremely stormy. ठीक है, तो जब भी बैरोमीटर की रीडिंग suddenly recede करती है, लो हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कोई भी थंडर या स्टॉर्म टाइप की कंडीशन आने वाली है. अगला है, smog is a general pollutant where, क्या होगा इसमें? एयर कंटेन्स एक्सेस SO2. ठीक है, तो स्मॉग होता क्या है? स्मॉग में स्मोक, मेटल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जो मेटल के जो डस्ट हैं वो, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स और अदर जो एयर पॉल्यूटेंट हैं, पार्टिकल्स हैं, वो पाए जाते हैं. ठीक है, तो स्मॉग का आंसर हो जाएगा एयर कंटेन्स एक्सेस SO2. अगला है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोन और न्यूट्रॉन. चलिए आगे बढ़ते हैं. यानिंग अकर्स, क्या हो जाएगा आंसर? ड्यू टू एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. ओके, तो यानिंग क्या है? यानिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें क्या होता है कि जब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो साइमल्टेनियस क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ, डीप इनहेलेशन होता है, मतलब आप बहुत तेज़ी से ब्रीथ करते हो और साथ में आपका ईयर ड्रम्स की स्ट्रेचिंग होती है और उसके तुरंत बाद ही, मतलब फॉलोड बाय क्या होगा? एक्सहेलेशन ऑफ एयर, मतलब ब्रीथ आउट करोगे. तो इसे यानिंग कहते हैं. इससे क्या होगा? ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया जाएगा और ऑक्सीजन को इनक्रीज किया जाएगा. चलिए अगला देखते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन. तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार फिश. ठीक है, विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन, क्या होगा? विटामिन के. ठीक है, जो कि एक फैट सॉल्यूबल वाइटामिन है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था? नॉल एंड रस्का ने. ठीक है, डार्विन फिंचेस रिफर टू अ ग्रुप ऑफ, डार्विन फिंचेस रिफर टू अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ठीक है, तो डार्विन फिंचेस में क्या है, कुछ 15 अप्रॉक्सीमेटली 15 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को रखे गए हैं जिनके जो बीक्स हैं, ठीक है, जो इनके बीक्स हैं उनके जो फॉर्म्स एंड फंक्शंस हैं उसमें डिफरेंसेस मिलते हैं. ठीक है, डाइवर्सिटीज मिलती है. अगला है, व्हेन ए बॉटल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ ए रूम, इट्स ऑर्डर इज फेल्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम. दिस इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, किसके कारण होता है? डिफ्यूजन के कारण. ठीक है, तो डिफ्यूजन के कारण पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगती है. ठीक है, अगला है, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, क्यों होते हैं क्लियर नाइट्स कोल्डर क्लाउडी नाइट से? क्योंकि जो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कंडेंसेशन, आइसोलेशन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये होंगे रेडिएशन के कारण. ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर के एयर का और जो हमारे अर्थ का जो हीट है जो कि इन्फ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में है उसको एस्केप करने से प्रिवेंट करता है क्लाउड्स. ठीक है, तो इसलिए क्लियर नाइट्स में क्या होगा? क्लाउड्स नहीं होंगे तो रेडिएशन ईजिली एस्केप हो सकती है. नेक्स्ट, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज नर्व्स. ठीक है, तो नर्व्स में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है बर्थ के बाद. अगला है, स्पीड ऑफ साउंड इज द ग्रेटेस्ट इन, स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होगा? ग्लास में. क्यों? क्योंकि स्पीड जो है साउंड की वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम. ठीक है, मतलब कितनी क्लोजली पैक्ड हैं वो मॉलिक्यूल्स उस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है.
अगला है, अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस इज, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एक्सपैंड्स मोर देन अ लिक्विड. ठीक है, तो गैस जो है उनको स्लाइट अगर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर उसमें भी वो एक्सपैंड करते हैं, इसलिए वो गैस थर्मोमीटर जो है वो मोर सेंसिटिव कहलाएगा. अगला है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सनग्लासेस. तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रूक्स ग्लास. ठीक है, क्रूक्स ग्लास को सनग्लासेस के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ टीथ डिसऑर्डर. तो टीथ डिसऑर्डर के लिए फ्लूरीन रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें, ठीक है, अगर सोडियम फ्लोराइड जो है वो 2 parts per million, ठीक है, 2 parts per million या उससे ज़्यादा है, तो हमारे दांतों का जो आउटर कवर होता है जिसे इनामल बोलते हैं उसमें मॉटलिंग आने लगता है. ठीक है, मॉटलिंग मतलब डॉट डॉट्स टाइप के अपीयरेंस आने लगेंगे. ठीक है, तो ये मॉटलिंग करेगा हमारे इनामल में, मॉटलिंग करता है सोडियम फ्लोराइड अगर एक्सेस अमाउंट में है तो. बट अगर आप टूथपेस्ट या माउथ वॉशेस में जो यूज़ करते हो उसमें भी सोडियम फ्लोराइड होता है, मतलब फ्लूरीन होता है. ठीक है, तो वो फ्लूरीन क्या करता है, वो डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है. ये टॉपिकल यूज़ किया जा रहा है. अगला है, द स्पीड ऑफ लाइट विथ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. क्या होगा अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या असर पड़ेगा? रिमेन्स अनअल्टर्ड. ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर के मीडियम पे. अगला है, क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे, क्यों हमें वार्म रखते हैं क्लोथ्स? क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंट एयर फ्रॉम, नहीं, प्रिवेंट हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम स्केपिंग. ठीक है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा. तो क्लोथ्स क्या है? फाइबर्स के बने होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था. वो फाइबर्स के बने होते हैं और उनके बीच में अगर एयर ट्रैप रह जाती है जिससे कि फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप होगा ही, जिससे क्या होगा कि वो एक इंसुलेटर की तरह, मतलब एक बैड कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगेगा क्लोथ. तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की हीट स्केप नहीं कर पाती है. नेक्स्ट, इन ए रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस द कूलिंग. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इवेपोरेशन ऑफ ए वॉलेटाइल लिक्विड. ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? रिपीटेड, मतलब बार बार इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन होता है ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड का. ठीक है, जो कि एक वॉलेटाइल लिक्विड है. तो इसमें क्या होगा कि जब कंडेंसेशन होगा तो हीट जो है वो एक्सपेल होगी, और जब इवेपोरेशन होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती है. इस तरह से रेफ्रिजरेटर में कूलिंग होता है. अगला है, वाई वी आर एबल टू हियर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट. ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स. ठीक है, तो शॉर्ट वेव्स जैसे कि रेडियो वेव्स, ठीक है, उनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और वो भी ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे वायर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि एरोप्लेन्स में, शिप्स में, या आपको न्यूज़ या म्यूजिक्स वगैरह ब्रॉडकास्ट करना है तो उसमें यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और ये हमारे जो रेडियो वेव्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, इसलिए हम उनको यूज़ कर पाते हैं. चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ, क्वार्ट्ज किसका बना होता है? सोडियम सिलिकेट का. ठीक है, तो क्वार्ट्ज बना होता है सोडियम सिलिकेट का. चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. ठीक है, तो यूरिन का एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कौन सा होगा इसमें से? कीटोन बॉडीज. ठीक है, तो कीटोन बॉडीज बनते कैसे हैं? देखो, अगर आप फास्टिंग करते हो या नॉर्मली जो एनर्जी के लिए फैटी एसिड्स को जब ब्रेक डाउन किया जाता है लीवर में, तो कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं. ठीक है, ये कीटोन बॉडीज जो है अगर उनका फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन से ज़्यादा है, उनका रेट ज़्यादा है फॉर्मेशन का, तो ब्लड में इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है. ठीक है, जिसे हम कीटोनेमिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कीटोनेमिया. ठीक है, जो नेमिया वर्ड है ये ब्लड के लिए यूज़ होता है. तो अगर कीटोन बॉडीज ब्लड में बढ़ गए तो इसे कीटोनेमिया बोलेंगे, और उसके बाद में कीटोन यूरिया हो सकता है. ठीक है, कीटोन यूरिया में क्या होता है कि कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाता है. तो इसका आंसर यहाँ पे कीटोन बॉडीज हो जाएगा. चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल, क्या होगा? इंक्रीज इन नंबर. ठीक है, अब ये कैसे होता है? देखो, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे
क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, मतलब ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण हाइपॉक्सिक कंडीशन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा कि किडनी स्टिमुलेट होती है और वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, ठीक है। तो ये एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है वो आरबीसीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अ टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब का बेबी का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन इन वाइट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूट्रस, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म एंड ओवम का, वो आउटसाइड बॉडी किया जाता है और बाद में यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। अगला है, द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज, इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? जिंक होता है, ठीक है। तो जिंक प्रेजेंट होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड, ठीक है। तो ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड इनमें से कौन सा हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, याद रखोगे। अगला है, राउंड वर्म इज अ ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो राउंड वर्म क्या है? एक नेमेटोड कैटेगरी में आता है जिसमें बैकबोन नहीं होते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है राउंड वर्म, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 किस में ज़्यादा पाया जाएगा? मिल्क में, ठीक है। और विटामिन B12 का रोल यूज़ क्या है? तो विटामिन B12 जो है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। अगला है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल कोल हो जाएगा, ठीक है। आप विंड सोलर बायोगैस को रिन्यू करके फिर से रिन्यूएबल एनर्जी है, बट ये कोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, कब होगा? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ATP फॉर्मेशन होता है। व्हाट हैपेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होगा? इट डिक्रीजेस, ठीक है, वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय, ठीक है, कैसे रीच करता है? सन से हीट रेडिएशन के फॉर्म में, ओके। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ड्राइविंग ए कार टू कवर अ डिस्टेंस, देखो पैडलिंग अ द बाइसाइकिल टू कवर अ डिस्टेंस, इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारी मस्कुलर मतलब केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। विंड मिल ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन, इसमें क्या होगा आपकी विंड एनर्जी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अगला है, रोइंग ए बोट इन द लेक, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो आपकी मस्कुलर, ठीक है, जो एनर्जी है रो कर रहे हो आप बोट को, तो जो मस्कुलर एनर्जी है वो मतलब कि वर्क डन, समझ लो वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, मतलब कि वर्क डन ट्रांसफर हो रहा है वाटर को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होंगे, ड्राइविंग ए कार टू कवर अ डिस्टेंस होगा, इसमें क्या हो रहा है कि एक डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो विच अ बॉडी पसेस बिकॉज ऑफ ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस देखें तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।